नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन। दोस्तों, अब तक हमने CUET से संबंधित काफ़ी वीडियोस बनाए और आप लोगों तक काफ़ी जानकारियां पहुंचाई, लेकिन दोस्तों आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं उसके विषय में बहुत ही कम लोगों को ही पता होगा। जहाँ दोस्तों आप देख रहे हो कि मेरे पीछे एक छोटा सा बोर्ड भी है, और CUET में ऐसी कौन सी बात है जिससे बहुत ही कम लोग जानते हैं, वो है रिजर्वेशन इन एडमिशन। जहाँ दोस्तों आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं, जब लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूछते हैं कि क्या इतने कट ऑफ में मेरा हो जाएगा, क्या फलाना विषय में फलाना हो जाएगा, तो हम उससे पूछते हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है। जहाँ दोस्तों कैटेगरी एक बहुत ही बड़ा डोमिनेंट फैक्टर है जो हमारे मार्क्स को डिटरमाइन करता है कट ऑफ के लिए। तो आज हम बताएंगे कि रिजर्वेशन यानी किसी भी प्रोग्राम में किसी भी सीट को कैसे बांटा जाता है, उसका प्रणाली उसकी क्या होती है कि कितने नंबर्स पे कौन सी कैटेगरी को मिलेगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशन इन एडमिशन, और दृष्टिकोण होगा हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये जो सीट है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है। तो मान लिया जाए आपके सामने हम एक कैटेगरी रखते हैं OBC, SC, ST और EWS। जहाँ दोस्तों ये इस बार से ज़्यादा प्रकाश में है, EWS पहले से नहीं था। तो जो अदर बैकवर्ड कास्ट यानी जिससे नन क्रीमी लेयर NCL भी कहते हैं, जो उड़ीसा के बहुत से लोगों के सवाल थे कि SEBC है तो क्या वो लागू होगा, तो जी हाँ दोस्तों SEBC आपका अदर बैकवर्ड कास्ट में ही आएगा। तो OBC को 27% सीटें रिजर्व रहती है, किसी भी प्रोग्राम में 27% OBC के लिए रिजर्व रहती है। SC के लिए 15% सीटें रिजर्व रहती है, और ST के लिए 7.5। आप देख रहे होंगे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन EWS के लिए ये 10% का कोटा है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं उनके लिए 10% है। तो जो क्राइटेरिया EWS के लिए है वो ये है कि बाकी इसमें वही लोग आ सकते हैं जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो 10%। तो कुल अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 55 या कुछ 59 तक, यानी लगभग 60% अगर आप मान लें तो लगभग 60% सीटें रिजर्व रहती हैं, और मात्र 40% ही अनरिजर्व में आते हैं। जहाँ दोस्तों तो अगर किसी क्लास में 100 या किसी प्रोग्राम में 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में से 27% सीटें OBC के लिए रिजर्व रहेंगी, 15% सीटें SC के लिए रिजर्व रहेगी, और 7.5 ST के लिए, और EWS के लिए 10%, और बाकी जितने भी लोग होंगे वो अनरिजर्व में आएंगे। तो अगर कोई OBC कैटेगरी का बच्चा OBC का जो कट ऑफ है उससे अगर वो ज़्यादा लाता है या उससे बहुत ही ज़्यादा लाता है और इसके सीट खाली रह जाती है, तो इनके लिए अलग से बुलाया जाएगा, उसको पहले आओ पहले पाओ के आधार पे आपको एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उसी कैटेगरी के। अगर किसी भी प्रोग्राम में अगर वो EWS है, इसकी सीटें नहीं बढ़ी, यानी 10% लोग ऐसे नहीं आए, मात्र 8 या 9% ऐसे लोग आए जो EWS कोटे से हों, तो 1-2% के लिए आपको फिर से बुलाया जाएगा, जिसमें पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन सीटें सिर्फ इसी को मिलेगी। यानी EWS की अगर सीटें बचती है तो वो OBC खाते को नहीं जाएंगी, SC की कोई सीटें हैं तो वो ST खाते को नहीं जाएंगी, जिसके लिए जितनी सीटें रिजर्व है उसी के लिए जाएगी। लेकिन बाकी जो सामान्य छात्र बच जाते हैं, जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, उनके लिए मात्र 40% ही सीटें बचती है, लेकिन इन 40% में ये लोग आ सकते हैं, लेकिन वो इनमें नहीं जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी डिवीज़न है जिसके आधार पर कट ऑफ डिटरमाइन होता है। तो अगर आप किसी भी इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, किसी भी चीज़ से MSc कर रहे हैं, BA, BEd कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। जैसे लॉ के लिए हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में 150 सीटें हैं, तो उसी अनुसार आपका रिजर्वेशन कैटेगरी डिटरमाइन होगा। 27% सीटें उसमें इनके लिए रिजर्व रहेंगी, 50%, तो आप अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा। ठीक इसी प्रकार EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यह रहेगा। और अगर किसी छात्र ने EWS के लिए अप्लाई किया है लेकिन EWS का सर्टिफिकेट वो नहीं दे पाता है, तो इसे इस कैटेगरी में न रख के उसे अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा, जो बहुत से लोगों के सवाल थे, सर OBC सर्टिफिकेट मेरा अपडेट नहीं हुआ। और एक बात और बता दूँ आप लोगों को, सर्टिफिकेट अपडेट करवा लें, वो जुलाई 2019 से पहले का नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जुलाई 2019 से पहले का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, आप उसको अपडेट करवा लें, जो हर महीने अपडेट होता है, लेकिन फिर भी हमें जुलाई 2019 तक का समय दिया गया है। जिन लोगों का 2019 से पहले का है, जुलाई 2019 से पहले का, वो ज़रूर अपना सर्टिफिकेट, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, उसे अपडेट करवा लें, ताकि आपको एडमिशन के समय कोई दिक्कत ना हो। और बहुत सी बातें ऐसी आ रही थी जिनका बहुत से लोगों की जानकारी नहीं, जैसे बहुत लोगों ने पूछा था कि गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। तो दोस्तों गैप सर्टिफिकेट बनाना काफ़ी मुश्किल नहीं है, ये काफ़ी आसान प्रक्रिया है, बस आपको इसके लिए 2 से 3 दिन लगेंगे। 2 से 3 दिन क्या मैं कहूँ कि आप एक दिन में ही काम करवा लेंगे, मात्र 150 से 200 रुपये खर्च आएंगे,
तो गैप सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो 1 साल या 2 साल या 3 साल से ज़्यादा गैप करके आए। हालांकि 1 साल वालों को उतना कोई दिक्कत नहीं होती, एडमिशन हो जाता है। मैंने भी जब बीए बीएड सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2016 में एडमिशन लिया था तो मैंने गैप सर्टिफिकेट नहीं दिया था और एडमिशन हो गया था। लेकिन अगर 2 साल 1 साल से ज़्यादा आपके पास है, आपने गैप किया किसी कारणवश, तो आप किसी भी सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाएँ या किसी सामान्य सी लॉयर के पास जाएँ और एफिडेविट बनवा लें। एफिडेविट का प्रारूप मैं वीडियो के लिंक में अटैच कर दूंगा। उस एफिडेविट में सिर्फ यह लिखा होगा कि किस कारणवश आपने ये साल गैप रखा है और कहाँ इससे पहले आप पढ़ रहे थे और अब कहाँ पढ़ने वाले हैं, और नीचे आपका हस्ताक्षर रहेगा और पर्टिकुलर वकील साहब का मोहर होगा, तो इसमें कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। फिर दोस्तों, जैसा कि बहुत लोग रिजल्ट चाह रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, तो दोस्तों मैं 8th सेमेस्टर का मैंने फिलहाल एग्ज़ाम दिया है और 30 सितंबर ही रिजल्ट का डेट था, तो रिजल्ट अभी तक हम लोगों की नहीं आई है। आज आप देख रहे हो कि 10 अक्टूबर हो चुके हैं, तो जब 10 अक्टूबर तक हमारा 8th सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं आया है तो 15 अक्टूबर से भी ज़्यादा समय लग सकता है CUCET के रिजल्ट के घोषणा में। तो दोस्तों, लाइव सेशन हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर जो भी डाउट होगा आप कल हमसे दोपहर को जुड़ें, 12:30 तक जुड़ें और अपने सवाल बेहिचक हमसे पूछें। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि उन सबका जवाब दें और ताकि आपकी भरपूर मदद हो सके। हमारे चैनल को इसी तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।